उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी के ऑनलाइन फॉर्म की तिथि जो है दूसरी बार बढ़ाने के बाद आपकी जो है 10 जुलाई रखी गई थी, जिसके बाद ये जो है यदि डेट नहीं बढ़ती है तो आवेदनों के जो रजिस्ट्रेशन की संख्या है वो जो है लगभग 15 लाख के आसपास आपकी पहुंच चुकी है, और अब जो है फाइनल जो है बिल्कुल डिसाइड तब होगा जब ये जो फीस जमा कर देते हैं कैंडिडेट, तो उन्हीं का आवेदन जो है पूर्ण आवेदन माना जाएगा, उसके बाद हम आपको क्लियर करेंगे कि कितने फार्म हैं। तो 15 लाख के आसपास जो है रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, और पिछली बार भी ये लगभग आंकड़ा वही था कि 15 लाख के आसपास जो है आपके पिछले वर्ष भी टीजीटी पीजीटी के लिए आवेदन आपके आए थे। बात करें इसकी एग्जाम्स और कट ऑफ के बारे में, तो एग्जाम्स देखेगा इसका जो है जहां तक जो है संभावित है वो देखेगा 60% संभावना यही है कि अक्टूबर माह में आपका जो है एग्जाम्स हो जाए 2022 के। यदि ये अक्टूबर माह में आपका एग्जाम्स नहीं होता है तो फिर ये एग्जाम्स आपका जो है पूरी की पूरी संभावना यही है कि 40% आपका जो है दिसंबर माह में आपका होगा। तो कुल मिलाकर के चीज़ें ये हैं कि आपका टीजीटी का एग्जाम्स अलग होगा, पीजीटी का अलग होगा, 2 दिन आपका पीजीटी का एग्जाम्स होता है, 2 दिन टीजीटी का, 10 से 15 दिन का गैप दोनों एग्जाम्स के बीच में रहता है। बात करें इसकी कट ऑफ की, तो देखिएगा पिछले वर्ष के मुकाबले आपकी जो वैकेंसीज हैं वो कम है, कम है तो इसका मतलब क्या है कि कट ऑफ आपकी बढ़ेगी क्योंकि कैंडिडेट जो है कम नहीं है और आपकी जो है वैकेंसीज कम है। तो आप जो है ये मान करके चलिएगा कि यदि पिछले वर्ष के जैसा ही आपका एग्जाम आता है तो आपका जो है +5 क्वेश्चंस जो आपकी पिछली कट ऑफ थी, क्योंकि प्रत्येक विषय की कट ऑफ बताना या प्रत्येक कैटेगरी की बताना यहाँ जो है हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा इस वीडियो के माध्यम से, तो आप ये समझ करके चलिएगा कि 5 से 7 क्वेश्चंस आपकी जो है यहाँ पर प्लस में आपकी कट ऑफ जा सकती है पिछले वर्ष के मुकाबले जो टीजीटी पीजीटी की रही थी। तो वीडियो के माध्यम से आपको सचेत करने का प्रयास किया है कि आपका एग्जाम्स आने वाला है, तैयारी जोर शोर से करें, कट ऑफ आपकी जो है ऊपर जाएगी। तो बेहतर यही होगा कि जिन एग्जाम्स की कट ऑफ 100 से कम थी वो 100 से प्लस का स्कोर रखें, और जिनकी एग्जाम्स की आपने कट ऑफ देख ली होगी, आपने फॉर्म भरा होगा, तो 5 से 7 क्वेश्चन ऊपर की तैयारी आप कम से कम रखें। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।